तो यार काफी मशक्कत के बाद फाइनली मुझे बैंगलोर में एक बढ़िया सा घर मिल जाता है जिसका किराया था 18,500। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा खर्चा होना बाकी था। मेरे पास ना तो चेयर थी, ना टेबल थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं बेड पे चद्दर भी नहीं थी। तो मैं इस नए शहर में आया था और मुझे जरूरत थी एक सेटअप की। तो यार ये है मेरा बेडरूम और बेडरूम में स्पेस थोड़ी सी कम है, इसी वजह से एको भी थोड़ी कम आ रही है। तो मैंने सोचा है कि यहाँ पर इस एरिया पर अपनी टेबल रखेंगे, यहाँ पर अपनी चेयर रखेंगे और यहाँ से अच्छी लाइटिंग आएगी। ये अपना बेडरूम है, सारा काम इस छोटे से बेडरूम में हो जाएगा। ड्राइंग रूम भी है, वो भी काफी बड़ा है, लेकिन उसमें एको की बहुत प्रॉब्लम है, तो अच्छे से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। हमारा बैंगलोर आते ही सबसे इंपॉर्टेंट काम था कि स्टूडियो सेटअप करना, ताकि दोबारा से अपनी वीडियोस बना पाएं। सो जल्दी से अपना सेटअप करते हैं। और मैंने चेयर पहले ही मंगवा ली थी, चेयर मेरे पास जल्दी आ गई थी। ये गूगल की तरफ से मॉनिटर है, ये भी आ गया था। टेबल आना बाकी थी, तो टेबल भी अभी आ गई है। अब जल्दी से सेटअप करते हैं। तो यार ये चेयर मैंने अमेजोन से मंगवाई थी और ये मुझे पड़ी है 3,538 रुपीज की। करना है दूसरी लोकेशन पे सामान इधर को ले जाना, उसमें एक बहुत बड़ा सरदर्द है, सो दैट्स व्हाई सक्सेस। ठीक है, तो यार ये चेयर मेरे सेटअप की सबसे बड़ी गलती है। मतलब एक सस्ती चेयर लेना, मैंने सोचा सस्ती सी चेयर ले लेता हूँ, अपना काम चल जाएगा, इससे क्या करना है, छोड़ के तो जाना ही है यहाँ पर। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इसके बोल्ट्स नीचे से चुभना स्टार्ट हुए ना, मतलब 2 घंटे से बैठना मुश्किल हो जाता था। और जो लोग मेरे DSA बूट कैंप में थे उनको तो पता ही होगा क्या हाल होता था मेरा 2 घंटे के अंदर। बाकी DSA का नया बूट कैंप, फ्री DSA बूट कैंप चालू हो गया है, डिस्क्रिप्शन देख लेना एक बार, ठीक है। आते हैं स्क्रू ड्राइवर, उसके बाद काम करेंगे। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पसीना पसीना। हमारा स्क्रू ड्राइवर भी मिल गया, जल्दी से अब इसको फिक्स कर देते हैं। फाइनली हमारी टेबल लग चुकी है, चेयर भी रेडी है, बढ़िया यहाँ बैठ करके आराम से काम कर सकते हैं और वीडियोस भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो अपने सेटअप को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। मैंने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया था, और उससे पहले तो मेरे को पता भी नहीं था कि फ्रीलांसिंग वगैरह होता क्या है। अब तो काफ़ी अवेयरनेस है, तो मैंने एज एन एजुकेटर स्टार्ट किया था, मुझे पढ़ाने का शौक था। बाकी लोग डेवलपमेंट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, सब टाइटल्स वगैरह लिखते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और इंडिया में ऑन एन एवरेज एक फ्रीलांसर अप टू 30,000 पर मंथ अर्न करता है। कुछ लोग काफ़ी बड़ी लेवल पर भी ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार क्या, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उसमें लोगों का कट भी जाता है, मतलब ऐसा होता है कि पैसे नहीं रिसीव हुए। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन है सोलर स्टाफ करके। तो ये लोग क्या करते हैं कि लेट से आपने एक प्रोजेक्ट उठाया है, तो उस प्रोजेक्ट की जो भी फ़ीस है, जो भी आपने फ़ीस डिफाइन करी है, वो फ़ीस क्लाइंट से पहले से ले करके रख लेंगे। एंड जैसे ही आप प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तो आपको ये फ़ीस ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग जाकर के एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कौन से ऑप्शन हैं आपके पास। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्रपोजल आपके क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट के पास जाने के बाद यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम, जब तक आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट होता है। फिर जब आप अपनी सर्विसेज डिलीवर कर देंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। अब सोलर स्टाफ 6% फीस डिडक्ट करता है, तो ये जो फीस है ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइंट्स हैं वो देते हैं, ठीक है। मतलब इन माई केस इट यूज़ टू बी दैट कि जो भी एक्स्ट्रा फीस होती थी आई यूज़ टू आस्क क्लाइंट टू पे दैट एक्स्ट्रा फीस। ऑलराइट, बाकी लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग भी देख सकते हैं अपनी फ्रीलांसिंग की। सो ऑल द बेस्ट, अब हम लोग सेटअप को आगे बढ़ाते हैं। अब यार देखो असेंशियल चीज़ें हो गई हैं, टेबल चेयर, अब थोड़ा सा डेकोरेशन और कर लेते हैं। हमने डेकोरेशन के लिए भी सामान लिया था, तो एक तो हमारे पास ये है, सो इट इज़ अ लैम्प। इसको एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। ऑलराइट, right.
सो इट इज़ द डे टू ऑफ आवर सेटअप और हमने लैंप लगा लिया है, टेबल रेडी है, चेयर भी रेडी है. अब कुछ डेकोरेशन वाला अच्छा सा सामान हमने मंगवाया था IKEA से और कुछ गूगल से भी आया हुआ है, तो वो लगाते हैं, एक एक करके अनबॉक्स करते हैं. ठीक है सर, सबसे पहले है ये छोटे से प्लांट्स, ये मैंने IKEA से मंगवाए हैं. एक्सपेक्टेड नहीं था ये इतने छोटे निकलेंगे, बहुत ही छोटे से प्लांट्स हैं ये, बट आई गेस अच्छे लगेंगे ये, यहाँ पर रख लेंगे ना हम लोग टेबल पे. तो ये जो फ्लावर पॉट हैं ये हैं 199 के, 200 रुपए के हैं ये तीन. नेक्स्ट मैंने मंगवाई थी एक घड़ी, वाइट वॉल पे वाइट घड़ी, अच्छी लगेगी वैसे, मेरे को वाइट चीज़ें काफ़ी पसंद है. इस क्लॉक का प्राइस है 219 रुपीज़, ये भी 200 रुपए के आसपास की है. नेक्स्ट मैंने मंगवाया है यहाँ पर, देखते हैं इसके अंदर क्या है, वैसे मैं भूल गया था कि इसके अंदर क्या है. इसके अंदर है अपना फ्रेम, जो हमने अपने दिल्ली वाले सेटअप में लगा रखा था ना, कीप काम एंड कीप कोडिंग वाला फ्रेम, ये वो है. नेक्स्ट एक और चीज़ है हमारे पास, ये हमारा वुडन है, बाकी मैं यूज़ करके बताता हूँ आपको कैसा इसका एक्सपीरियंस है. लेट अस क्विकली अरेंज आवर सेटअप, बहुत ही बढ़िया सेटअप होने वाला है. एक मिनट दो बस मेरे को, ठीक है अभी आता हूँ. हम इस पे रखने वाले हैं सबसे महंगी चीज़ अपने सेटअप की, ये हमारा मॉनिटर. मैं लेके आता हूँ, दो तीन बढ़िया बढ़िया चीज़ें और हैं मेरे पास. तो ये है हमारा सेटअप, थोड़ा आपको हटके मैं दिखाता हूँ. सो ऑल लुक्स गुड, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बताते रहेंगे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर, कितना खर्चा आ रहा है महीने का, सब कुछ बताते रहेंगे आपको. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सेटअप बता देना ज़रूर कैसा लगा. ठीक है बाय बाय.